मुंबई कांग्रेस में घुसे हैं भाजपा के लोग। जिलाध्यक्ष अनिल कौशिक का दावा, पार्टी के पिछड़ेपन के लिए पूर्व अध्यक्ष भी जिम्मेदार। नवीन मुंबई कांग्रेस के मुखिया अनिल कौशिक के एक खुलासे ने नया बवाल मचा दिया है। जिलाध्यक्ष का दावा है कि कांग्रेस पार्टी के पिछड़ेपन के लिए पूर्व जिलाध्यक्ष दशरथ भगत भी जिम्मेदार हैं। उन्होंने कहा कि बीजेपी से आए कुछ कार्यकर्ता कांग्रेस संगठन को डीरेल करने में जुटे हैं, फिर भी वे पार्टी को लगातार आगे बढ़ाने की कोशिश में हैं। उन्होंने कहा कि जिलाध्यक्ष बनने के बाद सिर्फ 4 महीने में ही मैंने कांग्रेस का बड़ा विस्तार किया। अनिल कौशिक ने प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले से उनके कामकाज की शिकायत करने वाले मनोज उपाध्याय एवं सुधीर पवार जैसे कांग्रेस पदाधिकारियों का नाम लिए बिना उनकी नीयत पर सवाल उठाया। कौशिक ने कहा कि जिनको अपने वार्ड की पूरी जानकारी तक नहीं है, हम उनकी गिनती नहीं करते। देखो, ये मैं मान्य करता हूँ कि कांग्रेस का नवी मुंबई में व्यापक विस्तार नहीं हुआ है। उसके कई कारण हैं। मेरे से पहले जो अध्यक्ष थे उनके कार्यकृति में कोई अंकुश नहीं लगाना चाहता हूँ, कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ, क्योंकि अपने अपनी ताकत से उन्होंने काम किया। उसमें थोड़ा उन्होंने गलती क्या किया कि अपनी 2-3 सीट सेटिंग करने के लिए कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को खत्म कर दिया। उसको उठाने के लिए मैं तो 2019 को 15 अगस्त को ही अध्यक्ष हुआ हूँ, तो 2020 तो पूरा आपको मालूम है कोविड निकल गया, मुझे तो 4 ही महीने मिले हैं। मगर आज कांग्रेस का व्यापक विस्तार हुआ है। कांग्रेस पार्टी के अंदर कुछ एक आदमी हमारे पास भाजपा के आगे बैठे हुए हैं। उनका काम है मीटिंग को डिस्टर्ब करना, उनका काम है कि प्रदेश अध्यक्ष को मिसगाइड करना। दूसरी बात, हर पार्टी में ऐसे लोग रहते हैं, इलेक्शन जब आता है ना वो बाहर निकलते। हमने उनको बोला है कि काम करो, आपका बूथ का नंबर बताओ, उनको मालूम ही नहीं है। हम बोले बूथ का अध्यक्ष, उनको मालूम ही नहीं है, तो इनको हम गिनती करते ही नहीं है। बताना जरूरी है कि अगले महीनों में नई मुंबई महानगर पालिका के चुनाव हैं। सूत्रों की माने तो कांग्रेस के नए प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले इस चुनाव को लेकर गंभीर हैं और पार्टी की ताकत आजमाना चाहते हैं, लेकिन स्थानीय नेता रमाकांत मात्रे, संतोष शेट्टी और अनिल कौशिक शिवसेना और NCP के साथ गठबंधन चाहते हैं। हालांकि इससे पुराने पदाधिकारी नाराज हैं जो चुनाव लड़ने का मौका पाना चाहते हैं। कईयों को डर है कि मात्रे, शेट्टी और कौशिक के कारण उनका टिकट कट सकता है। इस पर प्रतिक्रिया देते हुए अनिल कौशिक ने कहा कि अगर कैंडिडेट सक्षम है तो मैं उसका टिकट किसी भी हाल में कटने नहीं दूंगा। जिलाध्यक्ष ने यह भी दावा किया कि गठबंधन हो या ना हो, कांग्रेस अपने दम पर चुनाव लड़ने के लिए तैयार है। आला कमान ने मुझे फ्री हैंड दिया है, कभी आज तक मुझे ये डिस्टर्ब नहीं किया कि यहाँ पर यह करना वो नहीं करना है। मैं मेरे हाईकमांड को यही विनती करूँगा कि किसी भी सक्षम कार्यकर्ता पे अन्याय नहीं होना चाहिए। चुन के आने वाला कार्यकर्ता को किसी हालत में हम उसकी टिकट कटने नहीं देंगे। अगर किसी घर में कैपेबल आदमी होंगे तो टिकट मिलेगी, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो भाजपा हो, चाहे NCP हो, चाहे शिवसेना हो। हजारों एग्जाम्पल है, ये बात छोड़ दो आप। किसी भी वर्कर ने किसी वार्ड में डे नाइट काम किया है, अगर वो चुन के आ सकता है तो ये घराने से जो आरोप लगा रहे ना, जो भाजपा के घुसे हुए उसको हम समझते हैं। मैं यहाँ का लोकल आदमी हूँ, स्थानीय हूँ मैं, मुझे ये मालूम है कि कौन चुन के आ सकता है। और बाकी गठबंधन होगा नहीं होगा ये तो डिसीजन हाईकमान लेगा। नई मुंबई के लेवल पे मेरी तैयारी महा विकास अघाड़ी गठबंधन से भी है, मेरी तैयारी सबल पे भी है। कांग्रेस पार्टी कोई कमजोर पार्टी नहीं है। हमारे जो जिलाध्यक्ष है अनिल कौशिक साहब, जो कि काफ़ी एजुकेटेड है, पढ़े लिखे हैं, अनुभवी है, और सबसे बढ़िया बात उनमें यह है कि उनका एक विजन है, एक गोल है, जिसको लेके हमारी पूरी जो वार्ड 63 की जो पूरी यूथ है, जो पूरे लोग हैं, वो सब उनके साथ है। उन्होंने जो हमको एक राह दिखाई है और एक गोल बता कि ये करना है हमको, हम उसी से लेके आगे बढ़ रहे हैं। डेवलपमेंट जो उन्होंने, जो उनका प्लानिंग्स है डेवलपमेंट के बारे में, तो वो सब हम लेके चल रहे हैं। हमारे जो अपोजिशन में जो है, जो पिछले 10 साल से ऐसे बोलते हैं कि वो हमारे लिए बहुत कुछ कर रहे हैं डेवलपमेंट के नाम पे, तो हमें आज तक कुछ दिखाई नहीं दिया। संपत शिवालय साहब मेरे को लगता नहीं कहीं से भी ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, क्योंकि अगर 10 साल में उन्होंने वाकई में कुछ करके बताया होता तो शायद
हमको इतना ये नहीं करना पड़ता जितना अनिल कौशिक साहब ने हमको बताया कि एक्चुअली क्या रिक्वायर्ड है यहाँ पे। तो एज अ वार्ड अध्यक्ष और अनिल कौशिक साहब जी के साथ वार्ड क्रमांक 63 के लिए मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि हम ये चुनाव ज़रूर जीतेंगे और जीतने के बाद हम पूरी शिद्दत और पूरी लगन के साथ उनके साथ काम करेंगे, डेवलपमेंट करेंगे और ये जो वार्ड का नाम है ये ऊपर लेके आएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी वन इंडिया। लेटेस्ट अपडेट और खबरों के लिए टीवी वन इंडिया को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलें।